हमारे साथ आरजेडी के बिहार अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पार्टी के जगदानंद सिंह जी हैं। सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में वोटिंग खत्म हो गई है, तीन को नतीजे आने वाले हैं। जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, उसमें अलग अलग चीज़ दिखाई जा रहा है। किसी में बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है, किसी में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है, तीन को किस तरह के नतीजे आने वाले हैं? नतीजे तो आएंगे 3 तारीख को, आना शुरू हो गए, लेकिन ऐसे चीज एग्जिट पोल में बहुत चीजें दिखाई दे। मुझे ख्याल है 95 का चुनाव सारे एग्जिट पोल से लेके अखबार और पेपर और देश के धन्ना शेठ अरबपति खरबपति लगे थे, और हम राजद वालों को, लालू प्रसाद जी को, जो उनकी सरकार जिनके नेतृत्व में चल रही थी, 50 सीट से अधिक हम लोग को नहीं जीतने दे रहा था, और हम लोग गए, घोषणा लोगों ने कर दिया था, लेकिन अपार बहुमत से जनता ने जिताया। अखबारों से वातावरण बनाने के प्रयास से राजनीति नहीं प्रभावित होती है, राजनीति जन की आवश्यकता के आधार पर चलती है। आज जन की एक आवश्यकता है कि उन उन्मादियों और दंगाइयों को कैसे इनके चंगुल से देश को बचाया जाए। एग्जिट पोल हो सकता है कि कहीं यह दिखा रहा है, कहीं दूसरी बात दिखा रहा है, लेकिन कहीं बेहतर इन दंगाइयों को नहीं दिखा रहा। अर्थात इस भारत के बहुसंस्कृति बहुभाषी पूरे भारत के भीतर जो अपने को अजय समझते थे, वो पराजय की कगार पर खड़े हैं। जो बढ़ कर के देश को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहता था, अरबपतियों के हाथ में भारत को गिरवी रख रहा था, उसे आम जन परेशान होकर के मुक्ति चाहती है। बाकी परिणाम आएंगे 3 तारीख को। जीत इसी में है कि दंगाइयों से ये देश मुक्त हो, यही लोगों का कथन है, यही लोगों का मैंडेट है। एग्जिट पोल अपने अपने हिसाब से जो कुछ भी कह रहे हैं, उन्हें के नतीजे आने दीजिए 3 तारीख को। अगर सर MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, तो ये कांग्रेस की जीत होगी या इंडिया गठबंधन की जीत होगी? इंडिया गठबंधन में आप लोग हैं, जदयू है, शरद पवार की पार्टी है, शिवसेना है, ममता बनर्जी है। शायद तेजस्वी जी की एक बात आप लोगों ने नहीं ख्याल किया है, वो सीधा कह चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल का मत यही है, जिस इलाके में जो सबसे मजबूत है वही ड्राइविंग सीट पर रहेगा। हर दल को हर जगह बनाने के लिए इंडिया नहीं बना है। इंडिया में जो संयुक्त हमारी सारी ताकत है, दंगाइयों को हराने में सबकी संयुक्त ताकत लग रही है। जो जहां मजबूत है वहां वो जीतेगा, और वो जीतेगा इंडिया जीतेगा, वो जीतेगा इंडिया, ये दंगाई हारेंगे। अरबपतियों खरबपतियों के हाथ से राष्ट्र मुक्त होने का अभियान में शामिल जनता है, इसलिए जनता जीतेगी, बाकी कोई नहीं जीतेगा। मतलब बीजेपी का पांचों राज्य में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और 24 में भी केंद्र से विदाई तय है। परेशान है जनता, भारत की जनता को चाहिए रोटी, आवास, शिक्षा, रोजगार, खेतों को पानी और उत्पादन का मूल्य, ये सारी चीजें तो चाहिए भारत की जनता को। जो इस बार के चुनाव में बिहार में तेजस्वी जी ने नारे के रूप में गढ़ा था, क्या वो इशारा था? जनता की जीत के लिए नेतृत्व कर रहे थे वो, जनता जीती, दंगाई लोग हारे, मन में कसोट है उनको। आज सभी लोग मिल करके एक सरकार, प्रगतिशील सरकार देने का वादा किए हैं, प्रगतिशील सरकार अर्थात दंगा से मुक्त सरकार, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मान करके हल करने वाली सरकार, अर्थात हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान नहीं, भारत की 130 करोड़ जनता के हितों के लिए काम करने वाला शासन,
ये डिमांड है भारत की जनता की, और सभी लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह। 3 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, लेकिन कई चैनलों के एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं। किसी में दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है, किसी में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, कहीं दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर है। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अब असली नतीजे 3 को आएंगे, उसी का सबको इंतजार है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News, पटना।